तो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के 5 नए अपकमिंग फीचर के बारे में जो कि आने वाले टाइम पर सबको रोल आउट हो जाएंगे। दोस्तों ये नए फीचर क्या हैं और कैसे इनका अपन यूज कर सकते हैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला फीचर दिया गया है व्हाट्सएप के अंदर, वो है ऑडियो कॉल को लेकर। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पे अगर ऑडियो कॉल करते थे वहां पर आप मैक्सिमम 8 लोगों को ही कनेक्ट कर सकते थे, उससे ज्यादा वहां पर कनेक्ट नहीं होते थे। अब वहां पर आपको एक नया ऑप्शन मिल गया, आप भी बोल सकते हैं वहां पर अब आपको लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। अब वहां पर आप 32 लोगों को कॉल को कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग में, मतलब कि एक अच्छी खासी आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं 32 लोगों के साथ। तो सबसे पहला जो अपडेट वो यही है कि आप व्हाट्सएप कॉल में आप 32 लोगों के साथ वहां पर आप कॉलिंग। दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है बहुत अच्छा फीचर है, या फिलहाल रोल आउट तो हो गया है पर थोड़ा सा रोल आउट हुआ है। आपने देखा होगा अभी रिएक्शन मैसेज का जो फीचर है, बहुत लोगों को लग रहा था कब रोल आउट होगा, अभी फाइनली रोल आउट हो चुका है। इसमें आपको पहले तो कुछ स्टिकर्स मिल रहे हैं जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के बता रहा हूं। अब इसमें होने के वाला है आगे नेक्स्ट अपडेट में इसमें और बहुत ज्यादा स्टिकर्स को यहां पर एड ऑन कर दिया जाएगा, ताकि जो भी आपके एक्सप्रेशन है आप इजीली उसमें डायरेक्टली आप वहां पर रिएक्शन के साथ ही उसका अपने एक्सप्रेशन को बता सकें। तो सेकंड अपडेट जो थर्ड फीचर बताने वाला हूं, जो थर्ड अपडेट आने वाला है अपकमिंग में, वो है फाइल शेयरिंग को लेके। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पे कोई फाइल शेयरिंग करते हैं या फिर अगर आपने पहले कभी करा होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट्सएप पे आप 100 MB से ज्यादा कोई भी फाइल को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लिमिट ही 100 MB की। अगर आप उससे ज्यादा कोई फाइल वीडियो या जो भी आप शेयर करते हैं तो वहां पर आपको एरर आ जाता है। बट आने वाले टाइम पे व्हाट्सएप उसको भी इंक्रीज करने वाला है। अब वहां पर आप 2 GB तक का डेटा वहां पर सेंड कर सकते हैं, अप टू 2 GB तक का डेटा वहां पर सेंड कर सकते हैं। शायद जो वो भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, या जो भी हो, आप 2 GB तक का डेटा वहां पर फाइल को शेयर कर सकते हैं। ये लेटेस्ट आप फीचर जो फोर्थ फीचर है वो भी बहुत कमाल का है, वो है एडमिन से रिलेटेड। अगर आपका कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है या फिर अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो, तो व्हाट्सएप ने एक सिक्योरिटी पर्पज से एक फीचर को रोल आउट करने वाला है। अगर व्हाट्सएप का अगर आपने किसी ग्रुप में तो ये व्हाट्सएप ने सिक्योरिटी पर्पज से वाला फीचर को रोल आउट करने वाला है। इस फीचर में होगा क्या, अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो या फिर अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हो, अगर उसमें से कोई बंदा या उस ग्रुप में कोई भी मेंबर कुछ ऐसी चीज गलत पोस्ट करता है, अगर आपको लगता है कि यार ये पोस्ट गलत है, तो अब आप उस पोस्ट को वहां पर डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। पहले ये फीचर नहीं था, अब आपको वहां पर राइट्स मिल जाएंगे ग्रुप एडमिन को कि वो उस पोस्ट को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकता है, ताकि उसका कोई यूज ना हो सके या फिर अननेसेसरी किसी के पास वो डेटा नहीं जाए या फिर बोल सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, वो इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। तो ये फीचर मुझे बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा फीचर है। ग्रुप एडमिन को अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज करनी चाहिए कि उनको लगे कि ये मैसेज गलत है और ये बहुत गलत बात है, तो वो वहां पर डिलीट फॉर एवरीवन का फीचर का यूज कर सकते। दोस्तों फिफ्थ फीचर ये है, अगर आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे कोई भी लिंक को अगर आप पेस्ट करते हैं या फिर वहां पर आप शेयर करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो आप देखेंगे वहां पर सिर्फ लिंक ही शेयर होता है और जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो एक छोटा सा पॉपअप आ जाता है उस लिंक का प्रीव्यू आके। बट अब क्या होने वाला है, आने वाले टाइम पे उसको अपग्रेड करने वाले हैं। अब उसका जो प्रीव्यू आएगा थोड़ा सा बड़ा प्रीव्यू आएगा, ताकि कोई इजीली देख सके आपने स्टेटस में किस चीज का ये लिंक को शेयर किया गया है। तो ये फीचर भी बहुत अच्छा है, अगर आप कोई लिंक विंक शेयर करते हो तो ये वाला फीचर डेफिनेटली बहुत काम का आने वाला है। ये फीचर फिलहाल अभी रोल आउट नहीं हुए ना बीटा टेस्टर को या नॉर्मल यूजर को, आने वाले टाइम पे जब रोल आउट होंगे तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।